हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, टोपी बनाकर दिखाइए। आज की इस वीडियो में हम टोपी बनाएंगे। टोपी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 5 नंबर का क्रोशिया लिया है और ये नायलॉन वाला धागा है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, बुनाई और क्रोशिया की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। अगर कोई डिज़ाइन है जो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो उसकी पिक इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी भी बजा दें जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 5 नंबर का क्रोशिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह राउंड करेंगे, क्रोशिया डालेंगे, एक चेन बनाएंगे। हमारी फर्स्ट नोट लग गई है। अब हम 9 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 चैन हमारी बन गई हैं। पहली वाली चैन में हम स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए सर्किल हमारा बन गया है। अब हम 1 mm साइज के डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया पे धागा आ गया है, क्रोशिया को सर्किल में डालेंगे, धागा खींचेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, 2 धागों में निकालेंगे, दोबारा से क्रोशिया घुमाएंगे और 2 धागों में निकालेंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया बन गया है। इसी तरह फ्रेंड्स हम आगे डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और राउंड में से हम 1 mm साइज के 18 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया हमारा हो गए हैं। क्रोशिया का साइज 1 mm है। हमने 18 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम एक चेन बनाएंगे और पहला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, छोड़ेंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया में स्लिप क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ऊन खींची। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक राउंड कंप्लीट बन गया है डबल क्रोशिया का। अब यहाँ से हम कली बनाना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने स्लिप क्रोशिया बनाया है वहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया घुमाया, क्रोशिया पे ऊन आ गई, ऊन खींची, क्रोशिया घुमाया, 2 ऊन में निकाला, क्रोशिया घुमाया, फिर 2 ऊन में निकाला, 1 डबल क्रोशिया हो गया है। दूसरा डबल क्रोशिया भी हम यहीं पर बनाएंगे। देखिए 2, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पर। देखिए ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। एक चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, दूसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, एक चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे आगे वाला और दूसरे वाले में, इससे जो अगला है नेक्स्ट, उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। ये 3 डबल क्रोशिया हम 1 डबल क्रोशिया में से ही बना रहे हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाई है। ये हमारी 8 कलियां बन गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, एक चेन बनाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, 1, 2, इनको स्किप करेंगे और ये 3 डबल क्रोशिया में से जो पहला वाला डबल क्रोशिया है उस पर हम स्लिप क्रोशिया बनाएंगे।
अब हम पहले वाले डबल क्रोशिया में से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए वन टू, दूसरा वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया में से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन देखिए फ्रेंड्स, तीन डबल क्रोशिया के ऊपर हमने पांच डबल क्रोशिया बनाए हैं। पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने दो डबल क्रोशिया बनाए, दूसरे वाले डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया बनाया है और लास्ट का जो तीसरा डबल क्रोशिया था उस पर दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब एक चेन बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया आ गए हैं, पहले वाले डबल क्रोशिया में से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरा राउंड है ये हमारा कली का। वन टू, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। थ्री, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर एंड फाइव, एक चेन। फ्रेंड्स, इसी तरह हम दूसरे राउंड को कंप्लीट बुन लेंगे। तीन डबल क्रोशिया के ऊपर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से और उसके बाद एक चेन बना लेंगे। दूसरा राउंड हमने कंप्लीट बना लिया है। तीन डबल क्रोशिया के ऊपर हमने पांच डबल क्रोशिया बनाए हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह हम हर राउंड में दो डबल क्रोशिया इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। पहले डबल क्रोशिया में से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा तीसरा राउंड शुरू हो रहा है। देखिए वन टू, अब जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है उसमें से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। थ्री डबल क्रोशिया हो गई है हमारे, आगे वाले में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर फाइव, अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिक्स एंड सेवन, एक चेन बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रेंड्स हम सात डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा तीसरा राउंड है। पहले राउंड में हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए, थ्री डबल क्रोशिया। दूसरे राउंड में हमने फाइव डबल क्रोशिया बनाए, पांच डबल क्रोशिया। और तीसरे राउंड में हम सेवन डबल क्रोशिया बना रहे हैं, सात डबल क्रोशिया, एक चेन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे और आगे भी हम इसी तरह बुनते जाएंगे। हर राउंड में एक कली में से दो डबल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी कली के छः राउंड बना लिए हैं। फर्स्ट राउंड में हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए थे, दूसरे राउंड में पांच डबल क्रोशिया, तीसरे राउंड में सात डबल क्रोशिया, फोर्थ राउंड में नौ डबल क्रोशिया, फिफ्थ राउंड में ग्यारह डबल क्रोशिया और सिक्स्थ राउंड में तेरह डबल क्रोशिया बनाए हैं, थर्टीन डबल क्रोशिया। अभी हमारा सेवन्थ राउंड है, इसमें हम क्या करेंगे? देखिए पहले डबल क्रोशिया पे हमने स्लिप क्रोशिया बना रखा है, दूसरे डबल क्रोशिया पे भी हम स्लिप क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पे ऊन आ गई है, यहीं से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 13 डबल क्रोशिया के ऊपर 11 डबल क्रोशिया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन
एंड 11। 13 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। पहला डबल क्रोशिया स्किप किया है और लास्ट का डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स देखिए हमारा एक डबल क्रोशिया एक चेन है। अब हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए फ्रेंड्स 7 चेन हमने बना ली हैं। अब हम एक स्लिप क्रोशिया बनाएंगे चेन के ऊपर इस तरह से। फ्रेंड्स इसी तरह रिपीट करेंगे, 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 चेन हमने बना ली हैं। पहला डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे और दूसरे डबल क्रोशिया में से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 11 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ग्यारह डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। 7 चेन बनाएंगे, इसी तरह रिपीट करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो हमारी चेन है इसके ऊपर स्लिप क्रोशिया बनाएंगे। अब दोबारा से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पे ऊन आ गई है। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 11 डबल क्रोशिया, 7 चेन, एक स्लिप क्रोशिया, 7 चेन और 11 डबल क्रोशिया। 7th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 8th राउंड करेंगे। पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने राउंड का स्लिप क्रोशिया बनाया है, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हम स्लिप क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स पहले हम 2 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ कर रहे थे। देखिए 3 के बाद हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे। एक इस साइड डबल क्रोशिया इंक्रीज़ हुआ था और एक लेफ्ट साइड में डबल क्रोशिया इंक्रीज़ हुआ था। अब हम एक राइट साइड में डिक्रीज़ कर रहे हैं डबल क्रोशिया और एक लेफ्ट साइड में। 11 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7th राउंड में हमने 11 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और ये जो हमारी चेन है 7 चेन, यहाँ पर स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स अब हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और ये दूसरा जो राउंड है हमारी चेन का, यहाँ पर स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। दोबारा से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पे ऊन आ गई है। पहला डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, नाइन डबल क्रोशिया हमने बना ली हैं। अब दोबारा से हम ये चेन वाला डिज़ाइन बनाएंगे, हाफ राउंड वाला। सेवन चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और हाफ राउंड में ये स्लिप क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सेवन चेन बनाएंगे फिर से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, और ये जो हमारा राउंड है इसमें हम स्लिप क्रोशिया बनाएंगे। सेवन चेन बनाएंगे दोबारा से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पून आ गई है, पहला वाला डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे, और ये हमें नो डबल क्रोशिया बनाने हैं। फ्रेंड्स इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, और आगे के राउंड भी हम इसी तरह बनाते जाएंगे। जिस तरह हमने डबल क्रोशिया इंक्रीज किए थे उसी तरह हम कली के डबल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, और बीच में ये हम सेवन चेन और स्लिप क्रोशिया हाफ राउंड वाले डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे 12 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं कली के, आप देख सकते हैं हमारी कली कंप्लीट बन गई है। ऊपर हमारा एक डबल क्रोशिया है, अब हम डबल क्रोशिया का राउंड करेंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशिया हमारा बन गया है, क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पे ऊन आ गई है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन आ गई है इनके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरह फ्रेंड्स हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे, डबल क्रोशिया का ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने डबल क्रोशिया का राउंड बना लिया है। डबल क्रोशिया के राउंड के बाद अब हम जाल बनाएंगे, सेवन चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, सेवन चेन हमने बना ली है, दो डबल क्रोशिया जंप करेंगे और तीसरे वाले में स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए जिस तरह हमने यहाँ पर जाल बनाया था इसी तरह बनाएंगे, सात चेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया में स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट बुन लेंगे। 14 राउंड है ये हमारा, 12th राउंड में हमारी कली बनी थी, 13 राउंड में हमने डबल क्रोशिया किया है। देखिए फ्रेंड्स हमने तीन राउंड बना लिए हैं, सेवन चेन वन स्लिप क्रोशिया, आप देख सकते हैं इसी तरह ये जाल बना है जिस तरह हमने यहाँ पर ये जाल बनाया था, सेवन चेन और एक स्लिप क्रोशिया, कंप्लीट हमने तीन राउंड बनाए हैं, वन टू थ्री, और टोपी का चंदा हमारा बन चुका है। इसकी लंबाई 6 and 2 mm है, देखिए 6 inch और 2 mm। नेक्स्ट वीडियो में टोपी की गोलाई बनाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको टोपी का चंदा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।